हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने पिजन्स का देखते हैं। यार पता नहीं क्या मसला है, वो जो हमने वाइट कलर का लक्का लेके आए थे उसे पता नहीं क्या हो चुका है, बस खामोश सा उदास उदास सा है। तो आज भी मैं गया था मंडी, तो उधर से उसके साथ वाला पिजन नहीं मिला मुझे। तो उम्मीद है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर अंदर या ईद के बाद ही अब हो सकता है, या कोशिश करूंगा कि ईद से पहले पहले मैं उसके साथ वाली ले आऊं, या फिर हम ऐसा करेंगे कि वो लक्का दे के ऊपर थोड़े से पैसे दे के एक न्यू पेयर ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखें, ये बस यहीं पे बैठा रहता है। ये जो नर और मादा है ना, ये दोनों जो हैं इसे वो जो कहते हैं डिस्टर्ब करती हैं, इसे छेड़ती हैं। ये पेयर जो है इसे छेड़ता है। ये देखें, दोनों एक जगह पर इकट्ठे खड़े हुए हैं ना, जिस वजह से वो सैड सैड सा है। पता नहीं क्यों, वो थोड़ा सा बीमार बीमार लगता है, तो उसे भी हम कुछ ना कुछ मेडिसिन देंगे। ये देखें, ये पेयर जो है बस अपनी ही मस्ती में रहता है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये पेयर। और मुझे लगता है, ये देखें हमारे जो कॉकटल है ये एग्स पर आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि कल नहीं परसों दो तीन दिन के बाद मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अभी नहीं, अभी तो तकरीबन एक हफ़्ता भी नहीं हुआ इन्हें बॉक्स में जाते हुए, तो इस वजह से अभी नहीं बॉक्स ओपन करना, दो तीन दिन के बाद ओपन करेंगे। वो जो बच्चा है हमारे अमेरिकन लक्के का, ये देखें, मैं यार पता नहीं इसे क्या मसला है, मैं जब भी उठा के इस बर्तन में रखता हूँ ये नीचे चले जाता है, जब भी इसमें रखता हूँ नीचे चले जाता है। और इसके यार जो ये देखें दोस्तों, इसके ये देखें, ये जो है इसे आराम भी नहीं आ रहा, और ये इस जगह पर भी है, इस जगह पर भी है, ये देखें, और ये देखें इस जगह भी। ये पता नहीं इसके ज़ख्म का, यार ये ब्लड के छींटे पड़े हुए हैं, खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये हमारे इस बच्चे के होंगे या फिर दूसरे कबूतर के, वो भी देखते, पहले इसके पाँव चेक कर लेते हैं। इधर बैठ चेक करने दे। तो चलिए दोस्तों, नहीं इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसे हम इसी जगह पे रख देते हैं। तो अब हम ये जो मादा है इसे उठा के देखते हैं कहीं इसके ना हो। तो चलिए इसके देख लेते हैं, अब इसके तो ब्लड नहीं निकला यार, पता नहीं किसके था, मुझे शक था कि इसके ही होगा। तो सबसे पहले इसे ही चेक करते हैं, पता नहीं क्या मसला है इसे। इसके पाँव भी ठीक है। ओए ओए ओए, अच्छा अच्छा, अब तो काबू आएगी इस तरह। तो दोस्तों यार इसके भी नहीं है, इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये देखें दोस्तों, हमारे इस मादा के भी यार ब्लड नहीं निकला, बस मुझे शक है कि हमारा ये जो बेबी है इसके बस इस जगह से होगा ब्लड निकला, जिस वजह से ये देखें इधर ब्लड लगा हुआ है। और हमारा जो नर है अब इधर है, और जो वाइट नर है वो ये पड़ा है, बीमार है, पता नहीं क्या मसला है इसे। तो इसे ये दाना रख देते हैं, अब खा ले। वैसे तो है इसके पेट में अभी है दाना थोड़ा बहुत, तो कोई बात नहीं, बहुत जल्द यार तेरे साथ वाला पिजन भी ले आएंगे। तो इसे सैर करने देते हैं। इसी तरह हम अपनी फिंचेस देख लेते हैं। इसके एक कटोरी को जो कंगनियाँ ख़त्म हो चुकी है और एक में है, तो अब हम सुबह चेंज करेंगे इनकी, तो इनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। इसने दोबारा से अगले किए हुए हैं, और हमारे ये जो ऑस्ट्रेलियन है इन्हें भी नहीं तंग करना, अब दो तीन दिन के बाद इनकी प्रोग्रेस देखेंगे। तो तू उदास मत हो यार, दो तीन दिन के बाद या एक हफ्ते नहीं दोस्तों, ये देखें, अब मुझे पता चला कि हमारा जो ये लक्का है इसका ब्लड निकला हुआ है। ये देखें, इसके पाँव पे चोट लगी हुई है, तो मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ओए ओए, बस बस, मैं आपको पकड़ के इधर आराम से चेक करवाता हूँ। ये देखें कि हमारा जो ये है अमेरिकन लक्का वाइट वाला, इसके पाँव में से ये देखें ब्लड निकला हुआ है।
इसके ब्लड निकला है पाँव में से, और ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है यार। पता नहीं क्या मसला है पाँव में, पाँव इसका चेक कर लेते हैं। पाँव भी ठीक है वैसे, पता नहीं क्या मसला है, ये देखें। तो इसे जो ये वाला जो ब्लड है इसे साफ़ कर देते हैं, ये देखें। और ये देखें कितना सारा ब्लड निकला है हमारे इस लड़के के। हमारा जो ये वाला लड़का है इसके, ये देखें पता नहीं क्या मसला था। और ये वाला ब्लड शायद इसका पर होगा जो ऐसे खून निकल आया इसके, ये देखें। तो इसे फेंक देते हैं, अब इसे आराम आ जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।